वेलकम बैक। आई होप आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर अच्छा हुआ है फॉर योर प्री बोर्ड्स एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड्स। वेल, डोंट बी डिसहार्टेंड। जो भी आपका रिजल्ट आता है, आउटकम आता है प्री बोर्ड्स के पेपर का, डोंट बी डिसहार्टेंड। टेक इट एज समथिंग जो मोटिवेट करे आपको, टेक इट एज अ मोटिवेटर जो आप अपने लिए रखोगे ताकि आप आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से अच्छा प्रिपेयर कर सको। वेल, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने पिछले वीडियोस में भी ये चीज़ बोली है, प्लीज़ डोंट कीप दिस टाइम टिल मे तक। ये टाइम जो है मे तक नहीं, आपके पास सिर्फ तरीके से अप्रैल तक का टाइम है। मे तो मई 5 से तो या मई 4 से तो आपके बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट ही हैं, तो ये अप्रैल तक का जितना टाइम है इसमें प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन मत करो। मतलब इन द सेंस, आप हमेशा एंड टाइम पे ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं आइडिया था, स्पेकुलेशन नहीं था अभी कि कब तक बोर्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर इफ़ एट ऑल आपका सिलेबस रहता है, प्लीज़ फिनिश दैट अप इन दिस जनवरी। जनवरी उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने लगातार मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर्स प्लीज़ करो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स करो। प्लीज़ प्रिपरेशन सारी अभी जनवरी जनवरी में ख़त्म कर दो, ठीक है, क्योंकि मार्च ऑनवर्ड्स आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्च से आपके प्री आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो भी बिगिन हो रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ एवरीवन, दिस इज़ माय एडवाइस टू यू ऑल दैट डू फिनिश योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल इन जनवरी इट्सेल्फ, और उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन प्रैक्टिस में ध्यान दो, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे इस चैप्टर पर आते हैं, दैट इज़ क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ठीक है, ये चैप्टर 5 है आपका। इसके बाद हम जल्दी से इस पूरे वीक में, सैटरडे संडे, जो अभी फ्राइडे सैटरडे संडे आ गया है, ये सैटरडे संडे में तो नहीं, बट ना नेक्स्ट वीक तक जनरली आपकी ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। एंड देन वी विल, हम जनवरी एंड तक कह सकते हो एक तरीके से, मैं आपको कोशिश करूँगी, मैं फॉल्स वो नहीं दूंगी आपको, मैं जनवरी मिड एंड जनवरी एंड तक आपको पूरा कोशिश करूँगी कि मैं ये आपका सिलेबस ख़त्म करा दूँ, और फिर फरवरी से हम पूरा टेस्ट एंड प्रैक्टिस एंड हर चीज़, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, पैसेजेस, पिक्चर, सबकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो एवरीवन स्टे ट्यून्ड। फिलहाल ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इस पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जयप्रकाश नारायण एंड हिज टोटल रेवोल्यूशन आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जयप्रकाश नारायण का रोल उस समय क्या था। ही गॉट दिस टर्म ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, ठीक है। इसमें कुछ एडिशन हुए हैं, इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ एड ऑन इश्यूज हैं, एड ऑन टॉपिक्स हैं, एड ऑन पॉइंट्स हैं जो आपके रिवाइज सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलते हैं कि मार्च 1974 के आसपास प्रोटेस्ट बिगिन हुए, जिस और उन प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट किस वजह से थे, क्योंकि करप्शन थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, फूड स्कैसिटी थी, राइजिंग प्राइजेस थे फूड कमोडिटीज़ के, बेसिक नेसेसिटीज़ के, तो लोग बहुत परेशान थे, ठीक है। तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलाया कि आप हमारे प्रोटेस्ट को लीड करिए इन बिहार, और ही देन ही कॉइंड दिस टर्म ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, मतलब पूरा बदलाव। अब जो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसपे कांग्रेस बैठी थी, ठीक है, उसका उनको उसको वो कंप्लीट तरीके से चेंज करना चाहते थे, ठीक है। बंद, घेराव, स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज किए गए इन प्रोटेस्ट। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, द मूवमेंट वॉज बिगनिंग टू इन्फ्लुएंस द नेशनल पॉलिटिक्स। अब टोटल रेवोल्यूशन है तो ऑब्वियसली नेशनल पॉलिटिक्स, और सिर्फ लिमिट बिहार तक नहीं रह गई थी, ये फिर वाइड स्प्रेड मूवमेंट बन गया था, ठीक है। ये कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में भी जयप्रकाश नारायण जो है इस मूवमेंट को स्प्रेड करना चाहते थे, ठीक। तो बेसिकली ही वांटेड टू ब्रिंग इंदिरा गांधी और द कांग्रेस गवर्नमेंट इन अ लोएस्ट पोजीशन, ऐसा प्रेशर, ऐसी स्ट्रेस क्रिएट कर दो ओवर द गवर्नमेंट, ताकि जो गवर्नमेंट है वो उसको हमारे हमारी बातें मानने के अलावा और कोई ऑप्शन ना बचे, ठीक है। ये एंटी कांग्रेस थे। द बैकग्राउंड इज सेट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब ऑब्वियसली अब ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे आप देख रहे हो हर तरफ से लोग परेशान हैं, और एक एक डाउट क्रिएट हो रहा है लोगों के मन में कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं कर रही है, करप्शन चार्जेस लग रहे हैं आपके अगेंस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट है, फूड प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली जो लीडरशिप है वो क्या स्टेप लेगी। ऐसे में
एक स्टेज बन रहा था फॉर इमरजेंसी डिक्लेरेशन। और फिर फाइनली 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिंह डिक्लेयर्ड इन अ वर्डिक्ट दैट इंदिरा गांधी इलेक्शन वाज इलीगल। और वहीं ये एक जुडिशरी से भी सेटबैक था इंदिरा गांधी के लिए कि ये 12 जून 1975 याद रखना है इस डेट को, ठीक है, कि ये आपका जो इलेक्शन हुआ टू दी प्राइम मिनिस्टरशिप, जो आप प्राइम मिनिस्टर बने, ये ही इलीगल प्रोसेस है। तो इंदिरा गांधी हैड नो अदर चॉइस बट टू डिक्लेयर अ इमरजेंसी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सीट बचाए रखने के लिए। अब इसमें कुछ अपडेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो एडिशनल पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। इट्स अ बिट अ लेंथियर अ टॉपिक एंड इन टुगेदर ये जो एडिशन हुआ है आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े ज़्यादा एडिशन्स हैं, तो हम इनको दो पार्ट्स में कवर करेंगे फ्रेंड्स। सो डू वॉच बोथ दीज वीडियोज। जयप्रकाश नारायण को तीन मेजर की पॉइंट्स के लिए या की कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए माना जाता है। तो पहला क्या है, फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वन मार्क के पॉइंट से भी और बाकी पॉइंट्स आपके सिक्स मार्क के मेजर क्वेश्चन से भी, क्योंकि ये आप अगर आप आंसर इस ये पॉइंट्स को अगर आप अपने छः मार्क के पॉइंट क्वेश्चन में लिखोगे, आंसर में लिखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ेगी आपके आंसर की, राइट। तो ए हो गया फाइट अगेंस्ट करप्शन। सो जयप्रकाश नारायण is known for A. fight against corruption, principle of communitarian socialism and championing of the total revolution. ठीक है, principle of communitarian socialism and championing of the total revolution. ये जो total revolution का concept वो लेकर क्या है, इसको अच्छे तरीके से lead करना, उसको fulfill करवाने में he was a bigger factor. ठीक है, जयप्रकाश नारायण वॉज द फर्स्ट लीडर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हु अंडरटुक अ टिरेड अगेंस्ट करप्शन। तो अगर ये भी एक वन मार्क का मेजर क्वेश्चन बनता है कि हु वॉज द फर्स्ट लीडर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हु अंडरटुक अ टिरेड अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, जिसने एक अभियान चलाया, एक कह सकते हो एक लीडरशिप करी अगेंस्ट करप्शन थ्रू कैसे, बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ पर्टिकुलरली इन गुजरात। तो इन सब चीज़ों का आंसर क्या होगा, जयप्रकाश नारायण। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये आपके अपडेटेड वर्जन जो मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज अ अपडेटेड वर्जन ऑफ योर सिलेबस। एंड ही एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट करप्शन। His principle of communitarian socialism views India as a society of communities encompassing three key layers. ठीक है, तो ये basically इसका मतलब क्या है कि जो उनका कम्युनिटेरियन प्रिंसिपल था या प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, इसका मतलब क्या है, वो ये कहते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है वो कम्युनिटीज से बनी हुई है, कम्युनिटीज से बनी हुई है जिसके तीन की लेयर्स हैं। ए हो गया कम्युनिटी, रिलीजन एंड राष्ट्र, ऑल कंबाइनिंग टुगेदर एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फेडरेशन। आप इन तीनों को अलग नहीं कर सकते, कम्युनिटी रहेगी, रिलीजन रहेगा, राष्ट्र रहेगा। हम देश के लिए भी काम करेंगे, हमारा रिलीजन ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है, हमारी कम्युनिटी भी हमारे लिए सब कुछ नहीं है। तो ये जो तीन लेयर से बनी हुई है ना इंडियन कम्युनिटी, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, और इन सब से मिलकर ही इसको कंबाइन करके ही हम एक एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फेडरेशन एस्टैब्लिश करते हैं। बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल्स जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। और इन्हीं की वजह से एक आइडिया दिमाग में आया, एक इंडिविजुअल जो ये अच्छा थॉट सोचता है कि एक सोसाइटी वन है, हमारे लिए रिलीजन, हमारा कम्युनिटी, ये सब डिफाइन नहीं कर सकते या ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते या हम ये डिस्क्रिमिनेशन हमारा इन ग्राउंड्स पर नहीं होना चाहिए। तो एक इंडिविजुअल जो है उसने ट्रांसफॉर्म का एक टोटल रेवोल्यूशन, इसलिए इस चीज़ को टोटल रेवोल्यूशन कहा गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन एंड द स्ट्रेट थ्रू, और किस तरीके से वो चाहते थे इस चीज़ को करना, बदलाव लाना इंडिविजुअल में, सोसाइटी में, ठीक है, थ्रू टोटल रेवोल्यूशन। हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन सॉट टू एनकंपास, और वो क्या चाहते थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो टोटल रेवोल्यूशन से क्या बेसिकली अचीव करना चाहते थे, मॉरल कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एजुकेशनल एंड इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कि मॉरली कल्चरली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सोसाइटी इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म हो। His political transformation, including the right to call, the importance of village mohalla samitis in democratic politics, and his call for upar ke log to join political struggle for a clean politics in the country. ठीक है, तो ये major contribution है कह सकते हो total revolution की तरफ से, की वजह से, की द्वारा कह लो,
जो जयप्रकाश नारायण एक सोसाइटी में इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली, ठीक है, मॉरली, एजुकेशनली एक बदलाव लाना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं, द एसेंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण इन्वॉल्व्स मैन हु कुड बी द रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन इंडिया। और ये मेन बदलाव अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण कौन लेकर आएगा? इंसान खुद लेकर के आएगा। ही इज द रियल कैटलिस्ट ऑफ चेंज इन इंडिया। हम खुद ही अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, हम खुद ही अपनी सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती थी। ही डिड ब्रॉट अप अ टोटल रेवोल्यूशन। उस टोटल रेवोल्यूशन से वो क्या अचीव करना चाहते थे? वो चाहते थे कि इंसान जो है वो ही है एक मेजर फैक्टर, एक कैटलिस्ट जो सोसाइटी में, जो कंट्री में, जो मॉरली, कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अपनी कंट्री में, अपनी सोसाइटी में बदलाव ला सकता है। ठीक है, और उनके तीन जो मेजर की कॉन्ट्रीब्यूशन थे वो याद रखने हैं आपको, फाइट अगेंस्ट करप्शन, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म एंड द चैम्पनिंग ऑफ द टोटल रेवोल्यूशन। और इस टोटल रेवोल्यूशन के द्वारा वो बदलाव लाना चाहते थे। ठीक है, तो ये टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है जयप्रकाश नारायण ने जो इंक्लूड किया। इसमें 1 मार्क के मेजर क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसमें एक मेजर 6 मार्क क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो ये इंक्लूड करके चलना है आपको अपने पढ़ाई में, जो आपकी जयप्रकाश नारायण का जो कॉन्सेप्ट था टोटल रेवोल्यूशन का, इसमें ये एडिशन है, ये कुछ अपडेटेड वर्जन है जो आपके रिवाइज सिलेबस के हिसाब से अब आपके सिलेबस का पार्ट है। सो एवरीवन डू नॉट फॉरगेट टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग एंड व्हाइल यू आर स्टडिंग। डोंट वरी, ये पहला पार्ट है, इसके बाद हम ब्राह्मण और लोहिया भी पढ़ेंगे। सो वी विल बी कवरिंग दिस चैप्टर इन 2 to 3 parts। ठीक है, पहला पार्ट था ये, यहाँ तक आज मैं आपके सिर्फ जयप्रकाश नारायण करवा रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हम डेफिनेटली आपका जो सिलेबस है वो जनवरी मिड एंड जनवरी एंड तक मैक्सिमम ख़त्म करा देंगे, एंड देन फेब्रवरी ऑनवर्ड्स हम पूरा प्रैक्टिस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एवरीथिंग हम करेंगे। सो एवरी वन स्टे ट्यून, डू नॉट वरी फॉर योर रिजल्ट। अब अपने रिजल्ट जो भी आएंगे आपके, डू नॉट वरी अबाउट दैट, उसके उसको लेकर के डिसहार्टेंड या डिसमोटिवेटेड नहीं होना है। कीप दैट थिंग एज अ मोटिवेशन टू यू। ठीक है, स्टे ट्यून एवरी वन, डू नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर। And subscribe to my channel. Thank you.